गुड मॉर्निंग बच्चों और सेज के सनप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है विसर्ग संधि, उसके नियम तीन नियम हो चुके हैं। आज हमारा है चौथा नियम। तो चौथा नियम देखो क्या है, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त या ए के अलावा कोई स्वर आए, स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, यानी ए हमारा जो स्वर है वो नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे है हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अब देखिए जैसे ज्योतिर्मय आशीर्वाद, तो क्या हो जाएगा ये आशीर्वाद। आशीर्वचन बाद में है पांचवा नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या
से सेंट हो जाता है तो विसर्ग का सेंट हो जाता है। Yes, plus three, yes, three. विसर्ग का सह हो जाता है। जिसके कारण देखिए जैसे के बाद हमारा नियम सात है यदि विसर्ग से पहले
बाद में और उसके बाद में जैसे इसके उदाहरण देखें अभी प्लस कार आविष्कार चतुष्पद तो हमारी आज जो विसर्ग संधि यानी कि संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया। विसर्ग संधि भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।